नमस्कार साथियों, बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य इतिहास की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास द्वितीय वर्ष के काव्य शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और काव्य शास्त्र में अलंकार, जैसा कि अपन ने इससे पिछली वाली कक्षा में व्याख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, तो व्याख्या में अपने को अलंकार की आवश्यकता होती है। अलंकार, अलम प्लस कार, दो शब्दों से मिलके बना अलम। अलम का अर्थ होता है सुंदर या सजन, और कार का मतलब करने वाला। यानी अलंकार का अर्थ अपन यह ले सकते हैं कि काव्य रचना या आदि को सजाने वाला। यानी अलंकार की सामान्य परिभाषा अगर अपन देखना चाहे तो अलंकार की सामान्य परिभाषा यह हो जाती है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। यानी आचार्य डंडी ने अलंकार की परिभाषा जो बताई है वो देखिए। काव्य शोभा कराने धर्मान अलंकार प्रचक्षते, यह आचार्य डंडी के द्वारा अलंकार की परिभाषा है। यानी आचार्य डंडी ने अलंकार के बारे में बताया है कि काव्य की शोभा वृद्धि करने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार एक स्त्री या नारी की शोभा वृद्धि के लिए आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा वृद्धि के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो अपने सम्मुख अलंकार की छोटी सी परिभाषा आती है कि काव्य की या काव्य की शोभा वृद्धि करने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार नारी की शोभा वृद्धि आभूषणों के द्वारा होती है,
उसी प्रकार काव्य की शोभा वृद्धि अलंकारों के द्वारा होती है। यानी अलंकार की सीधी साधी पहचान या परिभाषा अपनी ये जान सकते हैं, काव्य शोभा क्रान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। यानी काव्य को सुंदर बनाने के लिए, काव्य को सुचारू बनाने के लिए, काव्य में अभिवृत्ति अभिरुचि पैदा करने के लिए, यानी जो भी काव्य रचना होती है उसको और ज़्यादा सुंदर प्रभावशाली बनाने के लिए बीच बीच में अलंकारों का प्रयोग कवियों के द्वारा किया जाता है। ये अलंकार सजाने का काम करते, अलंकृत करने का काम करते, सुशोभित करने का काम करते। और फिर जो आचार्य है उन्होंने उदाहरण देके बता दिया कि जिस प्रकार एक सुंदर स्त्री की शोभा वृद्धि आभूषणों से और बढ़ जाती है, तो उसी प्रकार सुंदर काव्य रचना और ज़्यादा प्रभावशाली अलंकारों के द्वारा हो जाती है। किंतु आचार्यों ने, काव्य शास्त्रियों ने यह भी कहा कि अलंकार का गलत जगह प्रयोग करने से काव्य की शोभा घट भी जाती है। उसी प्रकार जैसे कोई भी स्त्री आभूषण है, अब आभूषण जो आभूषण जहाँ पहना जाता है उसे वहीं पहनते हैं, ऐसे नहीं कि जैसे कोई भी नायिका स्त्री या नारी उसको बिंदियाँ ललाट पे लगानी होती है, किंतु वो ललाट के स्थान पे नाक पे लगा लो बिंदियाँ, क्या शोभा वृद्धि होगी? नहीं। जैसे गर्दनी है उसे गले में पहन लो हार के स्थान पे, नहीं। चूड़ियाँ हैं उन्हें गले में पहन लो, नहीं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि किस जगह कहाँ अलंकार का प्रयोग यानी उस उपयुक्त शब्द का प्रयोग होना चाहिए, यह भी ज्ञान होना जरूरी है। तो अलंकार, अलंकार के प्रकार की बात करें अपन तो हिंदी में अलंकारों के तीन प्रकार माने गए। नंबर एक शब्द अलंकार, प्रकार शब्द अलंकार से तात्पर्य ये लिया जाता है कि काव्य में जो शब्द होता है उस शब्द के आधार पे उसकी शोभा वृद्धि होती है। यदि उस शब्द का पर्याय रख दिया जाए तो काव्य में अलंकार की शोभा वृद्धि नहीं होगी। यानी शब्दालंकार में शब्द के ऊपर आधारित चमत्कार उत्पन्न होता है, वो शब्दालंकार कहलाता है। नंबर दो अर्थालंकार, अर्थालंकार से तात्पर्य काव्य में शब्द के अर्थ के ऊपर आधारित काव्य की शोभा जो होती है वो अर्थालंकार कहलाती है। यदि अर्थालंकार में शब्द के पर्याय के रूप में भी दूसरा शब्द लिख लिया जाए किंतु उसका अर्थ वही होता है, वो अर्थालंकार कहलाता है। जैसे शब्दालंकार में आपको शब्द के ऊपर आधारित चमत्कार होता है,
जैसे सजना है सजना के लिए। अब यहाँ ये आगे की बात है, कसर ये सलेस है या यमक है, यमक है इसमें, किंतु यहाँ एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, एक ही शब्द दो बार आ गया, सजना सजना। यहाँ यमक अलंकार हो गया, किंतु शब्दालंकार में अगर शब्द के स्थान पे पर्याय रख दे तो उसकी शोभा में कमी आ जाती है। जैसे सजना है मुझे, यहाँ सजना के स्थान पे प्रियतम लिख दे, मान लो यहाँ अपने अर्थ लिख दिया और अपने अर्थ लिख दिया और अब इसे अपन पढ़े सजना है मुझे प्रियतम के लिए, तो यहाँ कोई सा भी अलंकार नहीं है, क्योंकि अपने शब्दालंकार में शब्द का पर्याय ले लिया। क्या ले लिया? पर्याय। तो यहाँ मैन मुख्य शब्द के ऊपर महिमा निर्भर रहती है, तो ये कहलाते हैं शब्दालंकार। जैसे काली घटा का मान घटा, अब घटा घटा दोबारा आ गया, एक घटा का अर्थ काले बादल, दूसरी घटा का अर्थ कम होना, किंतु यहाँ अपन ये कह दे काली घटा का मान कम हुआ, तो यहाँ पर्याय रखने से शब्दालंकार का जो महत्व है वो नष्ट हो जाता है। अर्थालंकार की बात करें, अर्थालंकार में शब्द के अर्थ के ऊपर आधारित रहता है, यानी जैसे सीएमुख शशि समान, यानी यहाँ उपमा अलंकार की बात हुई कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, किंतु यहाँ अपन सीए मुख चंद्र समान लिख दे तो भी कोई अर्थ में कमी नहीं आ रही है, क्योंकि शब्द के अर्थ के ऊपर यहाँ अलंकार का महत्व हो रहा है। तो यहाँ ये कौन सा हुआ? अर्थालंकार। एक आता है उभयालंकार, यानी उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों का मिश्रित रूप होता है, वो उभयालंकार। जैसे भ्रांतिमान, वैसे उभयालंकार में अलग कोई अलंकार नहीं माना जाता है, काव्य शास्त्रियों के द्वारा अलग अलग भेद कर दिए, किंतु मुख्य दो ही है शब्दार्थ, इसमें दोनों का मिश्रित रूप। जैसे एक भ्रांतिमान अलंकार है कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ के भ्रांति से, सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। तो अपने अलंकार के प्रकार की बात करें, अपन अलंकार के तीन प्रकार हैं, किंतु मुख्य आपको ध्यान में रखने हैं दो, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब हम कौन कौन से शब्दालंकार है, कौन कौन से अर्थालंकार है, उनकी भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज अपन ने अलंकार, अलंकार के बारे में, अलंकार की ये परिभाषा ध्यान में रखनी है, काव्य शोभा क्रान धर्मान अलंकार पर चक्षते आचार्य डंडी के द्वारा ये परिभाषा दी गई है, और विविध आचार्यों के द्वारा अलंकारों की संख्या भी विविध अलग अलग है, अलंकारों की संख्या निश्चित नहीं है। जो आचार्य है, विद्वान है, वो एक मत नहीं है, क्योंकि शब्दालंकार में 5 अलंकार अपने आते, अर्थालंकार में सैकड़ों अलंकार आते, तो अपने अलग अलग भेद देखेंगे कि कौन कौन से शब्दालंकार है, कौन से अर्थालंकार है, और अपने काव्य में यानी रीति रस रंगिणी में अपनी व्याख्या में
अधिकांश कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया जाता है वो भी जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। आज की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद।